हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी जैसे कि आप आजकल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि जीआईबी और डीबीएफ का जो एग्ज़ाम होता है और उसमें जब हम पीपीपी PPP, की की बात करते हैं पेपर वन की बात करते हैं तो पेपर बी में जो पेपर वन में है ना पी सब्जेक्ट में कम से कम इस टॉपिक की थ्री मार्क्स की वेटेज होती है है ना हर बार जब भी एग्जाम होता है जीआईबी या डीबीएफ का कम से कम तीन नंबर के क्वेश्चंस आपको बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप से देखने को मिलते हैं ओके तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस टॉपिक को आज हम अच्छे से लर्न करते हैं समझेंगे इस टॉपिक में कि, कि किस तरह के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं और पहले सबसे हम थ्योरिकल पार्ट कवर करेंगे ठीक है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे कि बैंकर कस्टमर रिलेशन क्या होती है और उसके बाद में यहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कवर करेंगे ओके okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन अब सेशन स्टार्ट करने से पहले फटाफट इस सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए जो भी जे या डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ में शेयर कर दीजिए और इस सेशन को साथ साथ लाइक भी करते चलिए चलो बढ़ते हैं आगे तो यहां पर जो भी कैंडिडेट जे या डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर वो फ्री में वीडियोज देखना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा यहां पर YouTube में उनको फ्री वीडियोस मिल जाएंगी जो यहां पर इनके जो नंबर्स हैं वो लगभग अब 64 से बढ़कर 73 हो गए है ना 73 वीडियोस फ्री में मिल जाएंगी आपको इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए आपको यूट्यूब में सर्च करना होगा जे आई बी अड्डा टू फोर सेवन क्या सर्च करेंगे जे ए आई आई बी अड्डा टू फोर सेवन ठीक है अगर ये आप YouTube में सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी इस प्लेलिस्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारी वीडियोस फ्री में मिल जाएंगी ओके तो चलो बढ़ते हैं उसके बाद आगे उसके बाद में अगर आपको हमसे बात करनी है कॉन्टेक्ट करना है कोर्स के बारे में जानना है कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो इसके लिए जे आई बी डी बी एफ के लिए हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिस, जिसको आप टेलीग्राम पर सर्च कर कर सकते हैं इसके लिए टेलीग्राम में आपको क्या करना होगा जी आई बी अड्डा टू फोर सेवन सर्च करना होगा इस तरीके से ऊपर सर्च करना होगा उसके बाद में ये एक आपको ग्रुप यहां पर मिल जाएगा है ना ये ग्रुप मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो हम इस ग्रुप में इस तरीके से जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं तो यहाँ से आप फ्री में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आगे सबसे पहले आज का जैसे कि हमारा टॉपिक है इसका नाम है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है ना टॉपिक का नाम क्या होगा बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप अब बैंकर और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशन होती है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है आइए उसको जान लेते हैं समझ लेते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन ए बैंकर एंड ए कस्टमर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाई द बैंकर है ना यानी बैंकर जिस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिस तरह की सर्विस का नेचर होगा उसी तरीके से बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशन बिल्ड हो जाती है है ना? तो यहां पर जो बैंकर और कस्टमर की रिलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कस्टमर बैंक के साथ में किस तरह की कि ट्रांजेक्शन कर रहा है ट्रांजेक्शन का नेचर कैसा है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है उसके बाद में अब जब हम कस्टमर की बात करते हैं यहां पर है ना तो कस्टमर कौन होगा कौन से कस्टमर की बात कर रहे हैं क्या वो उस कस्टमर की बात कर रहे हैं जो किराना की दुकान पर एक ब्रेड का पैकेट या एक, एक मिल्क का पैकेट परचेज करने गया है एक शॉपकीपर के लिए है ना जो कंपनी ब्रेड बना रही है उसके लिए वो भी तो कस्टमर है लेकिन क्या वो बैंक का कस्टमर कहलाएगा बिल्कुल नहीं कहलाएगा तो यहाँ पर जिस कस्टमर की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा कस्टमर है दैट इज नोन एज बैंक कस्टमर वो किसका कस्टमर कौन सा कस्टमर होना चाहिए वो बैंक का कस्टमर होना चाहिए तभी यहां पर बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशन डिफाइन हो सकती है अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि यहां पर क्या बैंक कस्टमर के बारे में किसी लॉ में या कोई लीगल डेफिनेशन है तो यहां पर किसी लॉ में यहां पर बैंक्स कस्टमर के बारे में डिफाइन नहीं है किसके बारे में डिफाइन है डिफाइन है बैंक के बारे में बैंक क्या है या बैंकिंग क्या होता है या बैंकर क्या है है ना इसके बारे में डिफाइन है लेकिन बैंक्स कस्टमर के बारे में define नहीं है। इनके बारे में भी कहां डिफाइन है अगर हम बैंक bank या बैंकिंग की बात करते हैं तो इसके बारे में डिफाइन किया गया है सेक्शन फाइव बी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है ना इस सेक्शन में डिफाइन किया गया है बैंक क्या है क्या बोला गया है क्या डिफाइन किया गया है यहां पर डिफाइन किया गया है बैंक एक ऐसी एंटिटी है है जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज विद्रॉबल बाई चेक डिमांड ड्राफ्ट और अदरवाइज यह बात कहां लिखी गई है यह बात कहां बताई गई है यह डिफाइन किया गया है सेक्शन फाइव बी

है, उन KYC में पर जो कौन होगा फॉर द केपज बैंक का कस्टमर वो है कोई पर्सन या एंटिटी जो बैंक के साथ में बैंकिंग बिजनेस करता है वही बैंक का कस्टमर कहलाता है बिल्कुल शोर्ट में है उसके बाद में अगर हम यहां पर अगर आप नोट्स बनाना चाहें ठीक है कि बैंक की कस्टमर के डेफिनेशन में कैसे लिखूं तो लिख सकते हैं बैंक का कस्टमर वो होगा ही इज डीलिंग बैंकर मस्ट बी रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ बैंकिंग यानी ऐसा कस्टमर ऐसा व्यक्ति ऐसा ऐसी एंटिटी ऐसा पर्सन जो किसी भी बैंक के साथ में क्या कर रहा है बैंकिंग बिजनेस कर रहा है वही क्या कहलाएगा वही बैंक का कस्टमर कहलाता है आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी ये बात चलो बढ़ते हैं उसके बाद आगे कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा चलो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ में जावेद सफी कनेक्ट हो गए हैं धर्म धर्मेंद्र आ, आ गए हैं दिव्या सुनील अरुंधति, बी एस चौहान सभी का वेलकम है चलो और सभी को गुड इवनिंग तो जल्दी से इस सेशन को लाइक भी करते जाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करते जाइए वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं ये टॉपिक आपको एग्जाम में थ्री मार्क्स दिलाने वाला है है ना कितने मार्क्स पक्के हो जाएंगे इस टॉपिक से आज आपके इस टॉपिक से आपके जो थ्री मार्क्स हैं वो बिल्कुल श्योर sure हो जाएंगे कि तीन नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे चलिए बढ़ते हैं आगे अब यहां पर जो सबसे पहले रिलेशन है वो है डेटर एंड क्रेडिटर किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर यहां पर हम बात कर रहे हैं डेटर एंड क्रेडिटर डेटर कौन किसकी की बात कर रहे है बैंक डेटर है और कस्टमर कौन है कस्टमर यहां पर क्रेडिटर है किस केस में जब कोई कस्टमर जैसे मान लेते हैं ये मिस्टर ए नाम का कस्टमर आपकी ब्रांच में आता है आपके बैंक में आता है और बोलता है कि मेरा एक सेविंग अकाउंट ओपन कर दो और मैं इसमें रुपीज फाइव थाउजेंड डिपोजिट कर रहा हूं ठीक है तो यहां पर मिस्टर ए ने जो फाइव थाउजेंड रुपीज है वो किसको डिलीवर कर दिए वो डिलीवर कर दिए बैंक के पास में ठीक है तो अब वो इसके सेविंग अकाउंट में आ, इसके सेविंग अकाउंट में बैलेंस है यहां पर और बैलेंस कैसा है क्रेडिट बैलेंस है तो इस केस में यहां पर बैंक कहलाएगा डेटर और कस्टमर कहलाएगा क्रेडिटर क्योंकि जो पैसा बैंक के पास में ये रुपीज फाइव थाउजेंड आया है तो कभी ना कभी मिस्टर ए को लौटाना है तो बैंक के लिए ये जो रुपीज फाइव थाउजेंड है ये क्या है लाइबिलिटी है क्या है

तो जान लीजिएगा समझ लीजिएगा जितने भी डिपॉजिट वाले केस होते हैं है ना जितनी भी डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन होगी जिसमें कस्टमर ने हमारे पास में यानी बैंक के पास में पैसा डिपॉजिट किया है तो उस केस में बैंक क्या कहलाएगा बैंक कहलाएगा डेटर और कस्टमर कहलाएगा क्रेडिटर सबसे आसान रिलेशनशिप यही है और एक लैंडिंग वाली ठीक है उसके बाद जितनी रिलेशंस आती हैं उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट रहता है चलो बढ़ते हैं आगे उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्रेडिटर एंड डेटर है ना किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर क्रेडिटर और डेटर की बात कर रहे हैं अगर हम यहाँ पर बात बात करते हैं बैंक इज ए क्रेडिटर एंड कस्टमर इज ए डेटर बैंक क्या है बैंक यहां पर क्रेडिटर है और कस्टमर क्या है यहाँ पर कस्टमर हो जाएगा यहाँ पर डेटर ये कौन सा केस होगा ये कौन से केस में है जल्दी से बताओ ये कौन से केस की बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पर जब कोई भी कस्टमर बैंक के पास में आता है जैसे मान लेते है, एक हैं एक व्यक्ति है जिनका नाम है मिस्टर एक्स क्या नाम है जिनका नाम है मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स आते हैं किसके पास में बैंक के पास में आते हैं बोलते हैं मुझे लोन चाहिए है ना क्या चाहिए लोन चाहिए तो बैंक ने यहाँ पर मिस्टर एक्स का क्रेडिट अप्रेजल्ट किया और देखा कि मिस्टर एक्स को लोन दिया जा सकता है तो यहां पर बैंक ने कस्टमर को लेंडिंग, कर दिया। लोन देने को क्या बोलते लेंडिंग करना मान लेते हैं एक लाख रुपए की लेंडिंग कर दिया। एक के पास में और ये यहां पर पैसा वसूलना है वसूलना है किसको बैंक को किससे मिस्टर एक्स से जो भी इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ उसके हिसाब से अब जब यहां पर बैंक ने लोन दे दिया मिस्टर एक्स को तो उस केस में अब यहां पर मिस्टर एक्स को कभी ना कभी ये लोन की अमाउंट तो बैंक को वापस करनी है तो मिस्टर एक्स के लिए क्या हुआ ये मिस्टर एक्स के लिए लाइबिलिटी है है ना तो कभी ना कभी वापस करना है तो मिस्टर एक्स क्या होंगे यहां पर मिस्टर एक्स होंगे डेटर मिस्टर एक्स कौन होंगे डेटर और उसके बाद में बैंक हो जाएगा यहां पर क्रेडिटर बिल्कुल सिंपल है कोई दिक्कत इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी डेटर एंड क्रेडिटर ठीक है अगर हम बात करते हैं लैंडिंग वाले केस में लोन वाले केस में कस्टमर होगा डेटर और बैंक होगा क्रेडिटर अगर डिपॉजिट वाले केस में बात करते हैं तो बैंक होगा डेटर और कस्टमर होगा क्रेडिटर बिल्कुल अपोजिट रिलेशन होती है क्या होती है बिल्कुल अपोजिट रिलेशन होती है दिव्या सुस्मिता द किंग ओके okay, अनुराग हमारे साथ में जुड़ गए हैं गुड इवनिंग सभी को तो जल्दी जल्दी सेशन को लाइक भी करते चलिए क्योंकि मैं आज आपके लिए थ्री मार्क्स आपके पक्के कराने वाला हूं है ना तीन नंबर आपके आज बिल्कुल श्योर हो जाएंगे जेआईबी का फर्स्ट पेपर देने जाएंगे तो तीन मार्क्स आपको मिल जाएंगे आराम से इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में चलो बढ़ते हैं आगे उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक एज ए ट्रस्टी बैंक है क्या करता है बैंक एज ए ट्रस्टी के रूप में काम करता है बैंक जब ट्रस्टी के रूप में काम करता है तो उस केस में क्या होगा आइए वो कौन सा केस हो सकता है जिसमें बैंक एज ए ट्रस्टी के रूप में काम करता है ट्रस्टी का मतलब क्या हुआ भैया आपके पास में कोई व्यक्ति आया और उसने बोला कि ये मेरा सामान तुम अपने पास में रख लो ठीक है मैं इससे आप, आपको दो दिन के बाद ले लूंगा ठीक है दो दिन तक आप अपने पास संभाल के रख लो इस सामान को तो इस केस में क्या वो सामान आपका अपना है नहीं ना वो सामान तो उस व्यक्ति का है जिस जो आपने दो दिन के लिए अपने पास रखा है तो इस केस में वो जो सामान है आपके पास में वो अमानत के तौर पर आपके पास रखा रहेगा ना है ना जब किसी भी व्यक्ति के पास अमानत के तौर पर कोई सामान रखा रहता है तो उस केस में वो एंटिटी या वो व्यक्ति एज ए ट्रस्टी के रूप में काम करता है मतलब वो सामान वो गुड्स वो माल किसी और का है अपना नहीं है अपन तो उसको क्या है संभाल के रखे हुए हैं अमानत के तौर पर कि जब वो व्यक्ति आएगा तो हम उसको उठाकर जैसा हमारे पास में रख रख कर गया है वैसा ही हम उसको वापस कर देंगे तो उस केस में हम एज ए ट्रस्टी के रूप में वर्क कर रहे हैं ट्रस्टी के रूप में काम कर रहे हैं तो बैंक में ये बात कहाँ लागू हो, जा, हो जाती है बैंक एज ए ट्रस्टी के रूप में कब काम करता है आइए जान लेते हैं इफ ए कस्टमर कीप सर्टेन वैल्यूबल्स और सिक्योरिटीज विद बैंक टू विदेफ कीपिंग और डिपॉजिट ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज चलो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं इसको इसके ऊपर और ये बात एकदम समझ में आ जाएगी कि ये आ, कहना क्या चाह रहा है जैसे मान लेते हैं ये बैंक है ठीक है और यहां पर एक व्यक्ति है जिनका नाम है आर आर नाम के व्यक्ति बैंक के पास में आते हैं बोलते हैं कि मेरे पास में ये पांच लाख रुपए हैं और कुछ ज्वेलरी है एक महीने के बाद में वन मंथ के बाद में मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है एक महीने के बाद में मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है ठीक है तो आप अपने पास में ये पांच लाख रुपए और ये ज्वेलरी ठीक है जो मुझे उसकी शादी के लिए मैंने अरेंज किया है ये आप अपने पास संभाल कर रख लो है ना मुझे मैं आपसे कब लूँगा मैं आपसे एक महीने के बाद लूँगा घर में रखूँगा तो चोरी हो सकते हैं इधर उधर सो हो सकते हैं मिस हो सकते हैं क्योंकि घर में आने लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा रहेगा और घर में ऐसी कोई सेफ कस्टडी नहीं है ऐसा कोई लॉकर नहीं है जिसमें उठाकर मैं सामान रख लूँ ठीक है तो वो आपके पास में आता है बोलता है ये पाँच लाख रुपये और ये ज्वेलरी अपने पास में रख लीजिए ठीक है तो आपने बोला कि हम अपने पास तो रख लेंगे लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे एक फी चार्ज करेंगे तो इसने बोला ठीक है मैं फी पे कर दूंगा आपको तो यहां पर जो पांच लाख रुपए और ज्वेलरी मिस्टर आर ने एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए मेंसन कर दिया ना यहां पर क्या उसने अपना जो पर्पज है वो मैंसन कर दिया स्पेसिफिक स्पेसिफिक पर्पज है ना स्पेसिफिक पर्पज क्या है स्पेसिफिक पर्पज ये है कि एक महीने के बाद उसकी बेटी की शादी है जिसके लिए उसको ये चाहिए अब उसके बाद में जब ये पांच लाख रुपए और ज्वेलरी बैंक के पास में रखी होंगी ठीक है तो इस केस में बैंक यहां पर एज ए ट्रस्टी के रूप में काम करेगा कैसे काम करेगा एज ए ट्रस्टी के रूप में काम करता है या इसको एज ए बेली भी कह सकते हैं बैंक यहां पर एज ए बेली या ट्रस्टी के रूप में काम करता है और कस्टमर कौन होगा कस्टमर होगा यहां पर बेलर या इसको बेनिफिशियरी बोलते हैं क्या बोलेंगे या तो बेनिफिशियरी बोलेंगे या ट्रस्टी बोलेंगे बेली बोलेंगे आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को समझ आया चलो बढ़ते हैं आगे अरुंधति देखो ओडी वाले अकाउंट में है ना समझ लो ओडी वाले अकाउंट में ओडी वाले अकाउंट में दो तरह के बैलेंस हो सकते हैं एक है डेबिट बैलेंस और एक है क्रेडिट बैलेंस ठीक है अगर अकाउंट में अकाउंट में आउटस्टैंडिंग बैलेंस डेबिट में होगा अगर अकाउंट में आउटस्टैंडिंग बैलेंस डेबिट में होगा तो बैंक होगा लेंडर और कस्टमर होगा borower. और अगर अकाउंट में जो यहां पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो क्रेडिट में होगा ठीक है तब यहां पर जो रिलेशन है जो हमने फर्स्ट में बिल्कुल यहां पर डिस्कस किया था डिपॉजिट वाले केस में बस वही लागू हो जाता है, है ना कौन सा लागू होगा यहाँ पर डिपॉजिट वाला केस लागू हो जाएगा अगर ऑडिट अकाउंट ओडि में आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्रेडिट में होगा तो कस्टमर इसमें क्रेडिटर होगा और बैंक होगा डेटर क्लियर चलो कोई क्वेश्चन हो तो पूछते चलिएगा मुझे मुझसे फटाफट है ना बहुत बढ़िया अरुंधति ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है एग्जाम में आ जाता है इस तरह क्वेश्चन

मेरे क्या है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आप इन्हें अपने पास में सेफ में रख लीजिए ठीक है सेफ कस्टडी में रख लीजिए तो बैंक क्या बोलता है कस्टमर को कि ठीक है आप हमारे पास में अपने ये डॉक्यूमेंट्स रख के चले जाओ लेकिन हम इसके बदले आपसे क्या करेंगे फी चार्ज करेंगे तो कस्टमर बोला ठीक है मैं फी पे कर दूंगा अब इस केस में यहां पर बैंक के पास में ये जो डॉक्यूमेंट कस्टमर ने रखे हैं ठीक है तो इस केस में बैंक कहलाएगा बेली या ट्रस्टी और कस्टमर कहलाएगा यहाँ पर बेलर अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर एक केस यहाँ पर सेफ कस्टडी वाला आता है और एक लॉकर वाला आता है तो सेफ कस्टडी और लॉकर में क्या डिफरेंस हुआ फिर है ना तो यहाँ पर समझ समझिएगा ये बात कि सेफ कस्टडी में जो भी आर्टिकल्स जो भी सामान कस्टमर ने बैंक के पास रखा रखा है इसकी पूरी जानकारी बैंक के पास होती है है ना यहाँ पर कस्टमर डिस्क्लोज कर देता है उसकी वैल्यू को भी डिस्क्लोज कर देता है कि जो सामान जो चीज मैं आपके पास रख के जा रहा हूं इसकी वैल्यू कितनी है क्या है है ना इसमें क्या रखा गया है सब कुछ बैंक के पास आंखों के सामने रहता है और ध्यान दीजिएगा अगर सेफ कस्टडी में कस्टमर का सामान गुम होता है, है ना कस्टमर का सामान गुम हो जाता है चोरी हो जाता है लॉस्ट हो जाता है तो उस केस में क्या बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा बिल्कुल होगा सेफ कस्टडी के केस के में बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है लेकिन नहीं करता, वो लोकर में क्या के गया है जब हमें डिस्क्लोज ही नहीं है सामान एक लाख रुपए का है एक हजार रुपए का है एक करोड़ रुपए का है कितने का है डिस्क्लोज ही नहीं है तो बैंक वहां पर उसका रिस्पॉन्सिबल कैसे हो जाएगा ठीक है तो उस चीज में तो हम डिस्लोज नहीं कर पाएंगे तो इसी इसीलिए पहले क्या करा करा लेते हैं साइन करा लेते हैं कि अगर कल की डेट में लोकर में चोरी हो जाता है लोस्ट हो जाता है कुछ भी हो जाता है तो उस केस में बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्लियर सभी को मुझे लगता है सभी को क्लियर हो गया होगा समझ में आया फटाफट फटाफट बताते जाइए चलो बढ़ते हैं उसके बाद आगे नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप बैंक और कस्टमर के बीच में जो रिलेशन है वो कौन सी एजेंट और प्रिंसिपल के रिलेशनशिप ठीक है बैंक एजेंट के तौर पर काम करता है और कस्टमर कौन है प्रिंसिपल वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें बैंक एजेंट के तौर पर काम करता है और कस्टमर यहां पर प्रिंसिपल होता है तो यहां पर कुछ चीजों के नाम लिखे गए हैं मैं आपको बता देता हूं जैसे रेमिटेंस जब बैंक रेमिटेंस करता है तो उस केस में बैंक एजेंट के तौर पर काम करता है और कस्टमर प्रिंसिपल होता है कलेक्शन ऑफ चेक बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ बिहाफी कस्टमर है ना पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स टेलीफोन बिल्स इंश्योरेंस प्रीमियम क्लब फी है ना इस केस में बैंक एजेंट होता है और कस्टमर प्रिंसिपल होता है चलो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ये कौन है और क्या है आइए तो यहां पर अगर हम बात करते हैं एक व्यक्ति है जिनका नाम है मिस्टर ए और यहां पर इनका बैंक में अकाउंट है बैंक में एक अकाउंट है ठीक है मान लेते हैं सेविंग अकाउंट है सेविंग अकाउंट है यहां पर अब ये जो मिस्टर ए है मिस्टर ए एक बिजनेसमैन है शेड्यूल इनका बहुत बिजी रहता है मिस्टर ए का, तो मिस्टर ए मिस्टर ए के दो बच्चे हैं वन और टू ये एक स्कूल में पढ़ते हैं यहां स्कूल में पढ़ते हैं ठीक है और इस केस में इस केस में यहां पर मिस्टर ए ने मिस्टर ए ने क्या बोला यहां पर मिस्टर ए ने बोला कि मेरे भी हाँ पर है ना मुझे हर मंथ महीने मंथली अपने बच्चों की जो फी है वो स्कूल में पे करनी होती है लेकिन मैं बिजनेसमैन हूं मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं स्कूल में जाकर बच्चों की फी हर महीने पे कर सकूं तो मिस्टर ए ने क्या किया मिस्टर ए ने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी ठीक है क्या किया अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी कि यहां स्कूल से हर महीने आपके पास डायरेक्टली इंटीमेशन आएगा किसके लिए फी के लिए मेरे जो दो बच्चे पढ़ते हैं इनकी फी पेमेंट के लिए आपके पास इंटीमेशन आएगा तो मेरे बिहाब पर मेरे अकाउंट से मेरे दोनों बच्चों की जो फी है आप स्कूल को पे कर देना अब बताओ इस केस में बैंक और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशन हुई जहां पर जो बैंक है वो स्कूल को फी का पेमेंट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर ए तो बिल्कुल सिंपल है तो यहां पर मिस्टर ए होगा प्रिंसिपल और बैंक होगा यहां पर एजेंट के तौर पर काम कर रहा है क्लियर हुआ सभी को चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं उससे और क्लियर हो जाएगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति है मिस्टर ए और यहां पर यह है बैंक और बैंक में इनका एक अकाउंट है सेविंग अकाउंट है मान लेते हैं मिस्टर ए एक मोबाइल चलाते हैं, सिम कार्ड चलाते हैं एयरटेल कंपनी की क्या करते हैं एयरटेल कंपनी की पोस्ट पेड सिम कार्ड चलाते हैं पोस्ट पेड कनेक्शन तो मिस्टर एक्स का हर महीने बिल जनरेट होता है क्या होता है हर महीने बिल जनरेट होता है अब यहाँ पर मिस्टर एक्स ने अपने बैंक को बोला कि मैं, मैं जो यहां पर एयरटेल का पोस्ट पेड कनेक्शन चलाता हूं तो यहां पर एयरटेल कंपनी की तरफ से आपके पास एक इंटीमेशन आएगा किसके लिए बिल पेमेंट के लिए किसके लिए आएगा बिल पेमेंट के लिए तो मेरे पर मेरे अकाउंट से आप कंपनी को मेरे बिल का पेमेंट कर देना ठीक है तो मिस्टर एक्स के कहने पर बैंक हर महीने एयरटेल कंपनी को उसके सेविंग अकाउंट से उसका बिल का पेमेंट करता रहता है तो इस केस में मिस्टर एक्स और बैंक के बीच में क्या रिलेशन हुई तो प्रिंसिपल और बैंक हुए पर तो जब भी कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहे हैं टेलीफोन बिल का पेमेंट कर रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर तो उस केस में बैंक होगा एजेंट और कस्टमर होगा प्रिंसिपल क्लियर है आई होप मुझे क्लियर हो गया होगा सभी को समझ आया संजीत विग्नेश भी हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं सभी का वेलकम है चलो फटाफट बताओ क्लियर हुआ ये एजेंट और प्रिंसिपल की हम बात कर रहे थे बैंक और कस्टमर के बीच में एजेंट और प्रिंसिपल की रिलेशनशिप होती है चलो बढ़ते हैं आगे उसके बाद नेक्स्ट आता है लेसर एंड लेसी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार है ना क्वेश्चन आ चुका है यहां से है ना कौन सी रिलेशन लेसर या लेसी की बात कर रहे हैं ठीक है बैंक क्या होता है यहां पर लेसर होता है और कस्टमर होता है यहां पर लेसी तो जब भी बैंक किसकी लोकर की फैसिलिटी देता है किसको कस्टमर को यानी ये बैंक है है ना और ये यहां पर कस्टमर है बैंक के पास लोकर है बैंक के पास क्या है लोकरस है ठीक है तो ये कस्टमर आता है बैंक के पास में बोलता है मुझे आपकी लोकर की फैसिलिटी चाहिए मेरे पास में कुछ इंपोर्टेंट सामान है लेकिन ये सामान क्या है मैं इसकी इसके बारे में आपको डिस्क्लोज़ नहीं करूंगा मुझे क्या कीजिए आप रेंट पर है ना किराए पर रेंट पर अपना एक लॉकर दे दीजिए तो बैंक क्या करता है बैंक कस्टमर को रेंट पर एक लॉकर दे देता है जिसकी एक की किसके पास होती है बैंक के पास होती है एक की किसके पास होती है कस्टमर के पास होती है जब इस लॉकर में दोनों की लगेंगी तभी ये लॉकर ओपन होगा किसी एक की लोकर ओपन नहीं हो सकता अगर कस्टमर अकेला चाहे ओपन कर लू तो नहीं कर सकता बैंक अगर अकेला चाहे कि मैं इसका लोकर ओपन करके देख लू तो बैंक भी नहीं देख सकता ठीक है अब उसके बाद में जब बैंक ने लोकर कस्टमर को रेंट पर दे दिया तो इसने अपना जो सामान है वो लोकर में रख दिया लेकिन बैंक को नहीं बताया इसमें लोकर में क्या है ठीक है तो इस केस में यहां पर बैंक और कस्टमर के बीच में जो रिलेशन बनती है वो कहलाती है लेसर या ले इसको लाइसेंसर या लाइसेंसी भी कहा जाता है ठीक है कि लोकर को एक्सेस करने का एक तरीके से कस्टमर को लाइसेंस दे दिया और साथ गया है बैंक नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस दैट अराइज टू दी ले कौन है लेसी कस्टमर है अगर लेसी को कोई भी लॉस एनी लॉस अराइज होता है तो बैंक इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो आई होप क्लियर हो गया होगा तो यहां पर बैंक होता है लेसर या लाइसेंसर और कस्टमर हो जाएगा ले, लेसी या लाइसेंसी चलो बढ़ते हैं आगे उसके बाद में नेक्स्ट अरुंधति आपका क्वेश्चन है अगर कस्टमर के अकाउंट पे एडुकेट बैलेंस ना हो सो कस्टमर कस्टमर लाइबल होगा क्या यही पूछना चाहती हैं? केस uh, बताओ कि, uh, किस केस में पूछना चाहती हैं? क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन कीजिए कस्टमर के अकाउंट में अगर एडुकेट बैलेंस नहीं है आप इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं लोन पेमेंट की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं एक बार क्वेश्चन को और अच्छे से डिफाइन करो फिर हम आपका आंसर देते हैं चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट आता है जो नेक्स्ट रिलेशन है वो है इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड है ना क्या है इंडेमिफायर एंड इंडेमनिफाइड टॉम एडीआर पूछ रहे हैं अगर सीसी हो सीसी वाले केस में वही लैंडिंग वाला केस इंप्लीमेंट हो जाता है है ना सीसी का मतलब है कि हम कस्टमर को यहां पर लोन दे रहे हैं लेंडिंग कर रहे हैं तो यहां पर कस्टमर बोरोवर हुआ और बैंक क्या हुआ लेंडर हुआ सीसी वाले केस में तो वही रिलेशन जनरेट हो जाएगी यहां पर जो लेंडर वाले केस में होती है चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट आता है इंडेमिफायर एंड इंडेमनिफाइड है ना आइए समझ लेते हैं इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिफाइड बड़े टफ वर्ड लगते हैं दोनों ठीक है, देने जाते है तो वहां भी पूछा जाता है यहां से। और जब आप जे या डीबीएफ का एग्जाम देने जाते हैं तो वहां भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आइए समझ लेते हैं ये है क्या में। चलो समझ लेते हैं इसको एक व्यक्ति है जिनका नाम है मिस्टर ए क्या नाम है इनका मिस्टर ए मिस्टर ए आपकी ब्रांच में आते हैं है ना? आपकी ब्रांच में आते हैं और बोलते हैं कि मेरा एक फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का डीडी बनाकर दे दो क्या कीजिए मेरा एक फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का डीडी बनाकर दे दीजिए और इसने यहां पर फिफ्टी थाउजेंड रुपीज प्लस जो भी फी है वो आपके पास में आपको दे दिए यहां पर डिपोजिट कर दिए अब उसके बाद में आपने क्या किया आपने यहां पर फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का जो डीडी है वो बनाकर डिलीवर कर दिया किसको मिस्टर मिस्टर ए ए को को इस डीडी लेकर अपने घर जा रहे थे रास्ते में जाते जाते उन मिस्टर ए से ये डीडी खो गया ठीक है अब जब मिस्टर ए घर पहुंचा इसने अपनी पॉकेट में देखा उसमें तो डीडी है ही नहीं डीडी तो खो गया कहीं डिमांड ड्राफ्ट तो खो गया अब उसके बाद में जो मिस्टर ए है फिर ये दौड़ा दौड़ा दोबारा से आपकी ब्रांच में आता है बोलता है आपको आकर कि वो जो डिमांड ड्राफ्ट आपने बनाकर दिया था वो तो कहीं रास्ते में खो गया है आप ऐसा कीजिए मुझे वो जो डिमांड ड्राफ्ट आपने बनाकर दिया था उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाकर दे दो ठीक है क्या कस्टमर के पास ऐसा कोई राइट है ऐसा कोई अधिकार है जिससे वो आपसे इसका डुप्लीकेट कॉपी बनवा सके यस yes, बिल्कुल है नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये अधिकार यहां पर इसके पास है कि वो आपसे इसकी डुप्लीकेट कॉपी ले सकता है लेकिन यहां पर अब आप, आप आपको जो दो डीडी इशू करने पड़ गए एक डीडी तो आपने इशू किया था पहले जो खो गया जो ओरिजिनल है अब आप एक और डीडी इशू कर रहे हैं जो डुप्लीकेट कॉपी है उसकी ओरिजिनल की है ना अब इस केस में आपके सामने एक रिस्क अराइज होता है रिस्क क्या अराइज होता है कि अगर दोनों डी डी बाई चांस ऐसा हुआ कि दोनों के दोनों जो डीडी हैं वो प्रेजेंट कर दिए गए इंट्रोड्यूस कर दिए गए और बैंक को कोई ऐसी सिचुएशन कंडीशन आकर फंसी कि दोनों का पेमेंट करना पड़ गया अब ये बताओ पैसा तो है ना पैसा तो आपने एक डीडी का लिया था और पेमेंट आपको दो डीडी की करनी पड़ जा रही है तो बैंक को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा लॉस होने के चांसेस है ना रिस्क जनरेट हो रहा है ना लॉस होने के चांसेस है तो इस केस में यहां पर हम उस कस्टमर को बोलते हैं उस कस्टमर को बोलते हैं कि हम आपको डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट तो दे देंगे बनाकर हम आपको डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट तो बनाकर दे देंगे दे 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 दे. लेकिन आपको क्या करना होगा एक बॉन्ड साइन करना होगा है ना क्या करना होगा आपको एक बॉन्ड साइन करना होगा स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको लिख कर देना होगा जिसे हम बोलते हैं इंडेमिनिटी बॉन्ड क्या बोलते हैं इसका इसका नाम क्या है इंडेमिनिटी बॉन्ड आपको एक इंडेमिनिटी बॉन्ड साइन करना होगा का मतलब क्या होगा मतलब 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 हो मतलब कि किसी और की से अगर बैंक को नुकसान होता है तो इसकी भरपाई तुम करोगे है ना तो इसके लिए हम क्या करते हैं हम यहाँ पर कस्टमर से उस बॉन्ड के ऊपर साइन करा लेते हैं तो कस्टमर एग्री हो जाता है जब कस्टमर उस बॉन्ड के ऊपर साइन कर देता है ठीक है कस्टमर क्या बोलता है कि अगर मेरी वजह से या किसी और की वजह से अगर बैंक को नुकसान होता है तो इसकी भरपाई हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं है ना? तो इसके लिए इंडेमिटी बॉन्ड पर जब वो साइन कर देगा तो हम इसको डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट बनाकर दे देंगे कल की डेट में अगर ऐसा हो गया कि बैंक को दोनों डीडी का पेमेंट करना पड़ गया तो उस केस में हम यहां पर जो दू दूसरे डीडी -डी का ओरिजिनल जो खोया था अगर उसका पेमेंट करना पड़ गया तो क्योंकि उसने इंडेमनिटी बॉन्ड के ऊपर साइन किया है।, है ना अगर वो पैसा नहीं देता है ठीक है तो हम उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन भी ले सकते हैं क्योंकि उसने इंडेमनिटी बॉन्ड के ऊपर साइन करके कि गया है क्लियर है सभी को तो इस केस में इस केस में बैंक और कस्टमर के बीच में जो रिलेशन क्रिएट होती है जो रिलेशन जनरेट होती है दैट इज बैंक इज इंडेम्निफाइड या इंडेमनिटी होल्डर कहलाता है और कस्टमर कहलाएगा यहां पर इंडेम्निफायर है ना बैंक क्या कहलाएगा बैंक इंडेम्निफाइड होगा या इसको इंडेमनिटी होल्डर बोलते हैं और कस्टमर कहलाएगा इंडेम्निफायर डेफिनेशन पढ़ना चाहो पढ़ लो ठीक है आपके सामने लिखी हुई है ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिसिस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन ठीक है तो वही मैं अभी बता रहा था आपको कि यहां पर कस्टमर बोल रहा है कि मेरी वजह से या किसी और की वजह से अगर बैंक को लॉस होता है तो उसकी भरपाई मैं करूंगा है ना और इसके बारे में कहा गया है इसके बारे में डिफाइन किया गया है सेक्शन वन ट्वेंटी फोर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवन में और इंडेमिनिटी बॉन्ड हम कहा साइन करवाते हैं अगर हम एज ए बैंक के तौर पर बात करें है एज ए बैंकर के तौर पर बात करें तो ऐसे कौन कौन से केस आते हैं जिसमें हम कस्टमर से कराते हैं। तो वो होता है, एक है, मुझे जो एफडीआर है, है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाकर दे दो तो उस में भी हम कस्टमर से इंडेमिटी बोन के ऊपर साइन कराते हैं तब उसको डुप्लीकेट एफडीआर आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को समझ आया चलो बढ़ते हैं आगे एक नजर में ये है वो सारी रिलेशन जो बैंक और कस्टमर के बीच में बन सकती है अच्छा जल्दी से एक बार देख लीजिए सारी की सारी रिलेश रिलेशन है ना उसके बाद में हम इसको पढ़ते जाएंगे आगे है ना ठीक है तो यहां पर ये सारी रिलेशन है अगर आपको बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप समझ में आ रही है ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है ठीक है इंफॉर्मेशन आपको अच्छी मिल रही है तो इस सेशन को साथ साथ लाइक भी करते चलिए है ना तो अगर हम यहां पर बात करते हैं हम यहां पर बात कर रहे हैं तो देखो यहां पर इधर लिखी हुई है सारी की सारी ट्रांजेक्शन बैंक और कस्टमर के बीच में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होती है इधर लिखा हुआ है बैंक और उसके बाद लिखा हुआ है कस्टमर तो चलिए समझ लेते हैं जान लेते हैं सबसे ऊपर ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन का नाम है आर्टिकल लेफ्ट बाय बाय मिस्टेक मिस्टेक जो आर्टिकल है वो लेफ्ट इसका मतलब क्या हुआ? चलो समझ, समझ लेते हैं इसको एक कस्टमर आपकी ब्रांच में आया एक जो कस्टमर है वो आपकी ब्रांच में आया ठीक है उसका सेविंग अकाउंट आपकी ब्रांच में था और वो गलती से यहां पर कुछ सामान आपकी ब्रांच में भूल गया और घर चला गया अब ये जो सामान है ये आपकी कस्टडी में है आपके पास है तो इस केस में पूछा जा रहा है कि इस केस में बैंक के बीच में और वो जो कस्टमर अपना सामान भूलकर चला गया है ब्रांच में में उस केस में यहाँ पर दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा तो जब भी कोई कस्टमर अपना जो सामान है ब्रांच में भूलकर चला जाता है बैंक में भूल जाता है और वो यहां पर बैंक की कस्टडी में है तो उस केस में बैंक यहां पर एज ए ट्रस्टी के रूप में काम करता है और कस्टमर यहाँ पर एज ए बेनिफिशियरी के रूप में तो ज, जैसे ही कस्टमर वापस अपना सामान लेकर लेने आएगा तो आपको उसको वो सामान लो, होगा क्योंकि यहाँ पर आप एज ए ट्रस्टी के रूप में काम कर रहे हैं है है ना उसके बाद सेकंड नंबर पे आता डिपोजिट इन दी बैंक ये तो अभी हमने पढ़ा जब भी कोई कस्टमर बैंक में ब्रांच हमारे पास में आता है और अमाउंट डिपोजिट करता है तो बैंक उसके इसमें डेटर होगा और कस्टमर क्या होगा क्रेडिटर हो जाएगा लोन फ्रॉम बैंक है ना जब हम सीसी की बात कर रहे हैं ओडी की बात कर रहे हैं लोन की बात कर रहे हैं तो अगर यहां पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैसा है डेबिट में है आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैसा है डेबिट में है तो बैंक यहां पर क्रेडिट होगा और कस्टमर यहां पर डेटर होगा सेफ कस्टडी की अभी हम बात कर रहे थे सेफ कस्टडी के केस में बैंक बेली के रूप में काम करता है और कस्टमर यहां पर बेलर के रूप में काम करता है लोकर के बारे में अभी डिस्कस कर रहे थे लोकर के केस में बैंक या तो लेसर होता है या इसको लाइसेंसर भी बोलते हैं और कस्टमर लेसी या लाइसेंसी कहलाता है कलेक्शन ऑफ चेक कलेक्शन ऑफ चेक के मतलब है जब आपका बैंक या आपकी ब्रांच एज ए कलेक्टिंग बैंकर के तौर पर काम कर रही है मतलब आप जैसे मान लेते हैं कोई XYZ बैंक है XYZ बैंक है ओके okay. और यहां पर आपके पास में एक एबीसी बैंक का चेक आया है एक कस्टमर आपके पास में आया और उस, उसके पास में एक चेक है जो एबीसी बैंक का है तो उसने आपकी ब्रांच में आपके बैंक में डिपॉजिट कर दिया अब उसके बाद में आप क्या करेंगे इसको क्लियरिंग की थ्रू कहा भेजेंगे एबीसी बैंक के पास भेजेंगे तो आप क्या कर रहे हैं आप यहां पर कस्टमर के लिए एज ए कलेक्टिंग बैंकर के तौर पर काम कर रहे हैं यानी चेक का कलेक्शन कर रहे हैं तो इस केस में बैंक क्या होगा बैंक एजेंट कहलाएगा और कस्टमर प्रिंसिपल कहलाएगा नेक्स्ट आता है ऑफ़ ऑफ़ ए ए ड्राफ्ट ड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ जब वो जो कस्टमर मिस्टर ए की बात कर रहे थे मिस्टर ए आपकी ब्रांच में आया और उसने फिफ्टी थाउजेंड रुपीज प्लस फी आपको दे दी डीडी बनवाने के लिए है ना तो इस केस में ये जो मिस्टर ए है ये इस डिमांड ड्राफ्ट के क्या है परचेजर है जिसने ये डिमांड ड्राफ्ट का आपको अमाउंट दिया है बनाने के लिए ये कौन कहलाएगा ये मिस्टर ए परचेजर हैं तो इस केस में मिस्टर ए और बैंक के बीच में क्या रिलेशन होगा तो यहां पर बैंक कहलाएगा डेटर और कस्टमर कहलाएगा क्रेडिटर उसके बाद में पे ऑफ ए ड्राफ्ट अब मिस्टर जो मिस्टर ए है उसने जो डिमांड ड्राफ्ट है वो किसी के नाम पर बनवाया होगा पेई में नाम लिखा होगा है ना तो पैसा किसको मिलना चाहिए पेई को मिलना चाहिए ठीक है और कि, किसी जो बैंक है बैंक ने इशू किया है तो इस केस में मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर पीएनबी है तो इस केस में यहां पर बैंक और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा जब पे की बात करते हैं किसी डिमांड ड्राफ्ट में तो बैंक यहां पर कहलाएगा ट्रस्टी और कस्टमर कहलाएगा बेनिफिशियरी उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्लेज वाला केस है ना प्लेज क्या होता है हाइपोथिकेशन क्या होता है मॉर्गेज क्या होता है इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था जो जे आईबी की प्ले लिस्ट है उसमें जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं तो वहां पर मैंने हमने जो है वो तीनों केस डिस्कस किए थे ठीक ठीक है 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 की की पूरी की पूरी जो प्ले है, इसको देखने के लिए आप में सर्च कीजिए अगर ये टाइप करते हैं आप यूट्यूब के सर्च बार में तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी वहां से प्लेज मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन तीनों केस आपको मिल जाएंगे क्या होते हैं समझ में आ जाएगा उसके बाद में नेक्स्ट आता है मॉर्गेज किसकी बात कर रहे हैं हम मॉर्गेज है ना प्लेज आया प्लेज में यहां पर जो बैंक है वो पोनी होगा और यहां पर कस्टमर होगा कहलाएगा पोनर या बैंक को प्लेजी भी बोलते हैं और जो कस्टमर है उसको प्लेजर कहा जाता है मोर्गेज वाले केस में बैंक कहलाएगा मोर्गेजी और कस्टमर कहलाएगा मोर्गेजर उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट कौन सा है नेक्स्ट है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अगर मैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इस केस में बैंक होगा यहां पर एजेंट और कस्टमर होगा प्रिंसिपल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ कि कस्टमर ने बोला कस्टमर का एक सेविंग अकाउंट है आपके ब्रांच में उसने बोला कि मेरे सेविंग अकाउंट से हर महीने एक हजार मेरे एफडी में चले जाने चाहिए मैं आरडी में सॉरी किस में चले जाने चाहिए? मेरे आरडी में चले जाने चाहिए मैं एक हजार रुपए की आरडी कर रहा हूं अकाउंट में क्रेडिट कर देना बात करेंगे तो बैंक और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशन होगी बैंक होगा यहां पर एजेंट और कस्टमर कहलाएगा प्रिंसिपल उसके बाद में नेक्स्ट है सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर एक कस्टमर आपके पास में आया उसने बोला मेरे पास ओ के हंड्रेड शेयर है और आपकी जो ब्रांच है वो यहां पर शेयर्स में सेल शेयर का काम भी करती है शेयर को को शेयर्स खरीदने और बेचने का काम भी करती है यानी ट्रेडिंग सर्विसेज देती है तो इस केस में यहां पर आप कस्टमर से वो हंड्रेड शेयर्स लेते हैं ओ के और उनको शेयर मार्केट में बेच देते हैं उससे जो भी पैसा आता है ठीक है कस्टमर ने बोला मेरे अकाउंट में डिपोजिट कर देना

ठीक है लेकिन उसने ये नहीं बताया इस एक लाख रुपए का क्या करना है कौन से अकाउंट में पैसा जमा करना है ठीक है वो एक लाख रुपए आपके पास रखा है आप लेकिन इंस्ट्रक्शन नहीं दी इसका क्या करना है तो इस केस में बैंक एज ए ट्रस्टी के रूप में काम करेगा और कस्ट, यहां पर जो कस्टमर है वो क्या होगा कहलाएगा शेयर गिवन फॉर सेल ठीक है अगर यहां पर कस्टमर ने शेयर सेल के लिए बेचने के लिए दिए हैं बैंक को बोला आ, बैंक को बोला कि ये शेयर्स रख लो और इनको मार्केट में बेच देना और जो पैसा आए वो मुझे दे देना तो इस केस में बैंक होगा एजेंट और कस्टमर होगा प्रिंसिपल उसके बाद में नेक्स्ट आता है हाइपोथिकेशन हाइपोथिकेशन वाले सेच में केस में बैंक होगा हाइपोथिकेटी एंड कस्टमर कहलाएगा हाइपोथिकेटर चलो छोटी सी ट्रिक है आप सभी के लिए ये सारी की सारी रिलेशन आप कैसे याद रखेंगे आइए इसके बारे में समझ लेते हैं देखो जब भी बैंक की बात कर रहे हैं है ना जब भी बैंक की बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहां पर डबल ई डबल ई ठीक है डबल ई डबल ई ई ई डबल डबल है ना डबल ई तो जहां भी डबल ई -e आएगा जहां पर भी डबल ई -e आएगा तो समझ लेना किसकी बात हो रही है बैंक की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं बैंक की बात कर रहे हैं बट ध्यान रखना लोकर में ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है है ना लोकर में जो रिलेशन है वो बिल्कुल उल्टी होती है अपोजिट होती है लोकर के केस में छोड़कर लोकर का अगर का आप केस छोड़ दोगे तो जहां भी डबल ई डबल ई डबल ई डबल ई डबल ई आएगा तो वो बैंक है उसके बाद में नेक्स्ट अब यहां पर इसके अपोजिट में इसके अपोजिट में जहां पर भी ओ आर ओ आर ओ आर है ना आएगा तो वहां पर मैक्सिमम केस में बैंक हो जाएगा ठीक है क्या कहलाएगा जहां भी लास्ट में आ रहेगा वो केस होगा बैंक वाला तो डबल ई वाले केस में हमेशा समझिएगा जहां भी डबल ई होगा वो बैंक होगा बस एक्सेप्ट लोकर लोकर वाले केस को छोड़कर इससे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आसानी हो जाएगा इजी हो जाएगा दो मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे क्योंकि आधे आधे नंबर के तीन चार क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से क्लियर सभी को समझ आया चलो बढ़ते हैं आगे अब ये जो मैं मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है उसको लेकर क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और बताओ व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा जल्दी से पढ़िए क्वेश्चंस को बताइए व्हाट इज द राइट आंसर फटाफट फटाफट पढ़िए क्वेश्चन को अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है है ना इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है चीजें आप सीख रहे हैं तो सेशन को लाइक like भी करते चलिए है ना अगर आप लाइक like करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है आप चीजें सीख रहे हैं अरुंधति ने आंसर किया स्वप्ना रानी ने आंसर किया अनुराग ने आंसर किया बहुत अच्छे बहुत बढ़िया ठीक है सभी आंसर करो सभी आंसर करो

तो गारंटी बॉन्ड गवर्नमेंट बॉन्ड एफ डी आर फोटो कॉपी विथ सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर डी इंडेमिटी बॉन्ड या प्रोमिस नोट तो अभी मैंने आपको बताया है वो क्या कहलाएगा दैट इज नोन एज इंडेमिटी बॉन्ड है ना क्या बोलेंगे इसको इसको इंडेमिटी बॉन्ड के नाम से जाना जाएगा तो ये क्या कहलाएगा ये है इंडेमिटी बॉन्ड क्लियर है ठीक है तो आंसर आप सभी को पता चल गया आंसर याद रखना है दैट इज इंडेमिटी बॉन्ड क्या होता है यहां पर हम कस्टमर से ये बॉन्ड साइन करवाते हैं कस्टमर को बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से या किसी और की वजह से अगर बैंक को लॉस होता है तो इसकी भरपाई तुम करेगा तुमसे हम ये पैसा वसूल लेंगे तो इसके लिए साइन करवाते हैं इंडेमिटी बॉन्ड चलो बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा

तो इस केस में आपको बताना है बैंक और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशन होगी ट्रस्टी बेनिफिशियरी डेटर गारंटर क्रेडिटर या क्रेडिटर डेटर या नन ऑफ दी अब जल्दी से बताओ अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखना आंसर गलत आ रहे हैं आप लोगों के अनुराग रंधती विवेक स्वप्न रानी देखो इस केस में अब यहां पर अच्छा एक बात समझो एक बात समझो यहां पर जो पैसा है वो किसके अकाउंट में जाना था बैंक को ये पैसा भेजना था किसके अकाउंट में मिस्टर ए के अकाउंट में ठीक है लेकिन चला गया पैसा किसके अकाउंट में बाय मिस्टेक मिस्टर बी के अकाउंट में ठीक है तो बैंक को क्या करना है बैंक को ये पैसा वसूलना है किससे मिस्टर बी से जो 55555 रुपए का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर हो गया किसके पास में बी के पास में गलती से चला गया और मिस्टर बी ने उस अपने अकाउंट से विड्रॉल भी कर लिया एटीएम कार्ड है उसके पास में एकदम से एटीएम गया और विड्रॉल कर लिया पूरा पैसा तो बैंक को ये पैसा वसूलना है तो एक तरीके से बैंक ने इनडायरेक्टली लेंडिंग कर दी इसको क्या किसको मिस्टर बी को लेंडिंग कर दी तो हम क्या करेंगे इस कस्टमर के अकाउंट में इस अमाउंट को डेबिट कर देंगे और उसके अकाउंट में यह एक तरीके से पचपन हजार पांच सौ पचपन रुपए का ऑडी क्रिएट कर दिया जाएगा तो इस केस में बैंक और कस्टमर के बीच में क्रेडिटर और डेटर की रिलेशन हो जाएगी जब बी की बात कर रहे हैं और बैंक की बात कर रहे हैं क्लियर हुआ बहुत अच्छे अनूप अनिल सही आंसर कर रहे हैं विग्नेश सही आंसर कर रहे हैं अनुराग सही आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छे बहुत बढ़िया चलो बढ़ते हैं आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आसान क्वेश्चन है ये तो आसान क्वेश्चन है इसका आंसर तो आप सभी बहुत आ, एकदम मुझे लगता है एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ए बैंकर एंड कस्टमर इन केस ऑफ गुड्स लेफ्ट बाय कस्टमर बाय मिस्टेक इन दी बैंक एक कस्टमर गलती से अपना सामान ब्रांच में भूलकर चला गया तो आपको बताना है इस केस में बैंक और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशन होगी यानी बैंक और कस्टमर के बीच में कौन सी रिलेशन बनेगी बेली बेलर लेसर लेसी क्रेडिटर डेटर ट्रस्टी बेनिफिशियरी या नन ऑफ दी अब जल्दी से बताओ फटाफट फटाफट फटा आंसर करो है ना तो इस केस में अभी मैंने बताया था आपको अगर कस्टमर गलती से ब्रांच में अपना सामान भूल कर चला जाता है तो उस केस में बैंक और कस्टमर के बीच में जो रिलेशन क्रिएट होती है राइट आंसर स्वप्न ने ठीक आंसर दिया अरुंधति ने ठीक आंसर दिया विवेक सही आंसर कर रहे हैं अनुराग अनिल अनिल नहीं दैट इज डी है ना ट्रस्टी और होगा सुखी सही आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छे तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इन द केस ऑफ लोकर इज दैट ऑफ यानी लोकर के केस में बैंक और कस्टमर के बीच में इनमें से कौन से रिलेशन है लेसी लेसर ट्रस्टी बेनिफिशियरी एजेंट प्रिंसिपल लेसर या लेसी या नन ऑफ दबाव फटाफट बताओ यस अनूप आपने बाद में बिल्कुल सही आंसर किया है बहुत अच्छे अनुप का आंसर सही है अनिल ने बाद में आंसर सही किया है, D, lessy, या इसका दूसरा नाम क्या है दूसरा नाम है लाइसेंसर और लाइसेंसी है ना बैंक और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशन होगी लाइसेंसर या लाइसेंसी या इसको लेसर और लेसी बोलते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है ना इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इन केस ऑफ सेफ कस्टडी ऑफ गुड्स इज दैट ऑफ सेफ कस्टडी के केस में बैंक और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशन होगी बेली बेलर ट्रस्टी बेनिफिशियरी एजेंट प्रिंसिपल लेसर लेसी या नन ऑफ दी अब चलो, जल्दी से बताओ सुखी का आंसर बिल्कुल सही आया था विग्नेश ने सही आंसर किया था फटाफट फटाफट आंसर कीजिए है है ना टाइम हमारा अप हो रहा फटाफट फटाफट आंसर आंसर करते जाइए तो यहां पर रा, राइट आंसर क्या होगा इस केस में जो रिलेशन होगी वो कौन सी होगी बेली और बेलर की रिलेशन हो जाएगी है ना आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए और जो भी कैंडिडेट जेआईबी और डीबीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर उनको इस तरीके से पूरा का पूरा जो कंप्लीट सिलेबस है वो कवर करना है तो इसके लिए जो लाइव जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी है एक बैच मॉर्निंग में है सेवन ए एम टू नाइन पी है ना सुबह सात बजे से नौ बजे और एक बैच लेट इवनिंग में है 8 10 है टू ठीक अगर आपको GIB और DBF अबकी बार मई ट्वेंटी ट्वेंटी में क्लियर करना है क्रैक करना है अब की बार पास करके जाना है जेआईबी तो इस बैच का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करके आप पूरा डिटेल में उसके बारे में जान सकते हैं और अपना जो भी पेपर आपका पेंडिंग है अगर तीनों पेपर पेंडिंग है अभी तक या कोई एक या दो पेपर पेंडिंग है तो उनकी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां जाकर परचेज कर सकते हैं अगर आपको बैच के ऊपर भारी डिस्काउंट चाहिए मिनिमम अमाउंट देकर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो इसके लिए आपको कोड यूज करना है वाई वन नाइन फाइव ये कोड आपको याद रखना है कोड वाई वन नाइन फाइव यूज कीजिए और यहां पर यह बैच आपको मिनिमम अमाउंट में मिल जाएगा अभी ये ऑफर प्राइस चल रहा है बाद में जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे इस बैच के ओके इसमें मिलेगा क्या आपको 140 घंटे से ज्यादा की आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिलने वाली है जिसमें आप अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं डायरेक्ट फैकल्टीज के साथ में इंटरेक्ट हो सकते हैं चार हजार से ज्यादा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे अभी तो मैंने आपको पांच क्वेश्चन कराए ऐसे आपको चार हजार मिलेंगे थर्टी फुल मॉक टेस्ट होंगे और आप कई बार ऐसा हो जाता है लाइव क्लासेस में जो क्लास है वो मिस हो जाती है तो उस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा और उस वीडियो को जितनी मर्जी बार आप प्ले करके देखिए जब तक आपके पैकेज की वैलिडिटी है मल्टीपल टाइम आप प्ले करके देख सकते हैं और जिस भी पीपीटी या पीडीएफ का क्लास में यूज किया जाएगा वो पीपीटी या पीडीएफ आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगी तो इसको परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं उसके बाद में अगर आपको ओनली मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके क्लिक करके आप कर, कर सकते हैं चार हजार से ज्यादा क्वेश्चन है।, तो तो है आपको जो कूपन कोड है वो है वाई वन नाइन फाइव ये कूपन कोड आपको याद रखना है कूपन कोड है वाई वन नाइन फाइव ये कोड आप अप्लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आज आप अप्लाई करते हैं तो सिक्सटी परसेंट डिस्काउंट आपको मिलने वाला है तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए जो भी आपके फ्रेंड्स जीआईबी आई बी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ उनके साथ में ये जो वीडियो है शेयर कीजिए और अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए तो चलिए आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं थैंक यू ऑल ऑफ यू हैप्पी लर्निंग अगर आप तैयारी कर रहे हैं जायब या फिर डीबीएफ एग्जाम 2020 की तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक स्पेशल बैच इसमें हम ला रहे हैं आपके लिए 140 प्लस आर्ट्स की लाइव क्लासेस 4000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड 30 फुल मॉक टेस्ट इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आज ही विजिट करें स्टोर डॉट अड्डा ट्वेंटी